मैं इस वक्त अपने रूम में हूँ और यहाँ से निकलने लगा हूँ मैं अयूबिया की तरफ। पाइपलाइन ट्रैक है, वहाँ जाने का इरादा है मेरा। मैंने जल्दी निकल जाना था, 8-9 बजे निकलने का इरादा था मेरा, लेकिन सारा सामान मैंने उठा लिया और निकलने लगा हूँ। सामान आपको दिखाता सिनेमैटिक में, लेकिन टाइम नहीं है अभी, तो सिनेमैटिक्स बाद में करते हैं, फिलहाल निकलते हैं। बाय द वे, सामान दिखाना इसलिए भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि सामान मैं कुछ उठाता नहीं हूँ सफ़र के दौरान। मुझे खाली हाथ सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है। आपको कोई मेयारी गाड़ी नथिया गली के लिए मिलती भी है तो बड़ी मुश्किलों से मिलती है। जैसे फैसल मूवर्स वगैरह, इनके टाइम बड़े मखसूस होते हैं, तो आपको हाईएस पे सफ़र करना पड़ता है। पेट्रोल पंप पे रुके हैं सीएनजी भरवाने के लिए। अच्छा, सिचुएशन ये है कि मैं सोया हुआ था, मुझे नहीं पता कि हम कहाँ के कहाँ पहुँचे हैं। यहाँ के सीन्स आपको दिखाता हूँ इतनी देर में। गली पहुंचा हूं। इससे पहले मैंने अयूबिया जाना था, लेकिन अयूबिया का इरादा मैंने इस वजह से कैंसिल कर दिया कि मैंने सोचा था मैं पाइपलाइन ट्रैक जो है उसको, उससे हाइक करते हुए ना मैं डूंगा गली पहुंचूंगा। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे पहले डूंगा गली जाना चाहिए यहाँ से ट्रैक करके, तो फिर अयूबिया जाना चाहिए। सो एक ही बात है, बराबर है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ अभी, यहाँ से फिर निकलता हूँ आगे। बाय द वे, मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक था मुश्कपुरी टॉप की हाइक का और दूसरा था पाइपलाइन ट्रैक जो है इसकी हाइक। पाइपलाइन ट्रैक जो है इसकी हाइक नहीं होती, टाइप ऑफ ये साइट सीएंगे एक आपको इन्होंने फुटपाथ बना दिया समझ लें इस तरह का है, जबकि ओरिजिनल जो अच्छी हाइक है ना, आपको एडवेंचरस कुछ फील होता है, तो वो है आपका मुश्कपुरी टॉप की तरफ। लेकिन मसला ये है कि अभी मैं लेट हो गया हूँ। बॉयज़ अपनी बेबीज़ के साथ बाइक्स पे फिर रहे हैं, बॉयज़ बेबीज़ के साथ बाइक्स पे फिर रहे हैं, और मैं हूँ कि बाइक भी नहीं है, बेबी भी नहीं है, हद है यार। ऐसे निकलने से पहले कुछ खाना पीना लाजमी है क्योंकि भूख बहुत लग रही है, और मैं रास्ते में कहीं भूख की वजह से गिरी ना जाऊँ। तो सबसे पहले तो मुझे जाना है और जाके खाने का इंतज़ाम करना है, जो सस्ता भी हो और अच्छा भी हो, तो ये दोनों शराइत हैं, देखते हैं क्या मिलता है मुझे। जब कुछ ना समझ आ रहा हो तो फिर ऐसी चीज़ों पे गुजारा करना पड़ता है, ब्रोस्ट है और बस यही कुछ है। प्यार मेरा तू तक नीच तोलना,
मैं 2018 में आया था यहाँ फर्स्ट टाइम, और आज सेकंड टाइम मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तब बारिश हो रही थी और आज भी मैं सोच के आया था कि बारिश होगी, बट इट्स नॉट द मैटर, बारिश नहीं हो रही और बादल भी ऐसे आसार नहीं दिखा रहे कि बारिश होगी। लेकिन उसके बावजूद सर्दी लग रही है, तो इंजॉयिंग अ लॉट, क्योंकि सख्त गर्मी से उठ के, ऐसी गर्मी के जो हफ्ता हफ्ता के लिए आपकी नींद उड़ा दे, तो इट इज़ क्वाइट अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। अभी रास्ते में मैं जिस हाईएस्ट में था, वहाँ मेरी पीछे वाली सीट पे दो लोग बैठे हुए थे और वो दोनों आपस में गपशप कर रहे थे, और उनके गपशप का मौजू था फाइनेंस। इतनी बड़ी बड़ी वो बातें कर रहे थे कि मुझे लग रहा था कि यार ये हाईएस्ट में सफ़र क्यों कर रहे हैं, इन लोगों को तो मतलब वज़ीर आज़म के 52 किलोमीटर वाले जहाज़ में सफ़र करना चाहिए था, ऐसा क्यों है। तो हम सबका मजमूई तौर पे हाल यही है, दैट्स ऑल, यही कुछ है जो बस दिखाने के लिए है आपको। तो ऐसी सिचुएशन में जाके सीन्स बोरिंग होना शुरू हो जाते हैं, सो वी हैव टू डू समथिंग एडवेंचरस, या कुछ अनयूजल, या ट्रैक से हट के कुछ हो। सो आई वॉज फाइंडिंग फॉर सच प्लेस जो मुझे मिल गई है, एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसी और कहाँ है और क्या है। दिस इज ऑल अबाउट एडवेंचर, और एडवेंचर ये है, ये ट्रैक जा रहा है एंड आई एम गोइंग टू क्लाइंब दिस, और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या सीन्स हैं। सो लेट्स गो। ऐसे यार मुझे सैमसंग की ना वीडियो का रिजल्ट बड़ा मज़ेदार लग रहा है, इट सीम्स क्वाइट गुड, क्योंकि ये जिस तरह ये ग्रीनरी को कैप्चर कर रहा है, इट आई थिंक ये थोड़ा सा इसको शार्पन तो कर देता है। ओह वाओ, दिस इज रेस्ट एरिया होता है। मुझे ना यहाँ पे मेरी पिक्चर्स बन गई और अच्छी सोलो पिक्चर्स, आपको पता है बड़ा मुश्किल होता है बनाना, बट आई कैप्चर। जब आप ट्रेवलॉग करते हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने जज्बात, व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, अपने एक्सप्रेशंस वो शेयर करें, और वो अच्छे तरीके से, लोगों को पता चले कि यार हम भी ये करते हैं, हम भी ट्रैवल पे जाते हैं टाइम्स, बट हम वैसा काम नहीं कर सकते, वैसा ही इंजॉयमेंट नहीं कर सकते जैसे ये ट्रैवलॉगर कर रहे हैं, व्लॉगर कर रहे हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक्सप्रेशंस दें, जो मैं इस वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, इस वजह से आप सिर्फ नज़ारों को इंजॉय करें। और हमें भी अजल आ दबोचे एक दिन, मगर हम किसी अजनबी रास्ते पर मरेंगे, कहीं बेकली के सबुक दाम घोड़ों की पतली कमर से ठलक कर गिरेंगे। हमें शहर के तंगोतारी खानों में, बिस्तर की राहत में, औरत की सोहबत से सरशार, खाने की टेबल पे, टीवी के आगे, दफातर में कुर्सी पे बैठे हुए जान से हाथ धोने नहीं। चलो यहां से आगे बढ़ो, चलो यहां से आगे बढ़ो। हम कभी शहरे मातूब की ऐशो इशरत में शामिल नहीं थे, मुबादा हमें कल कोई उनमें गिनती करे। बर्फ के इन जलीदों को देखो, ये कैसे बताशे के मानिंद घुलने लगे, वक्त की तेज गामी की तमसील, कितनी सदियों का पानी दकीका दकीका समंदर के पाताल में गिर रहा है, ये जारूबे आबी उन्हें भी किसी दिन बहाल आएगा,
यहाँ उभरने की हमको इजाजत नहीं थी, यहाँ डूबकर हमने मरना नहीं। चलो अपने घोड़ों को महमेज दो, हम किसी अजनबी राह पर बेकली के सबुक गाम घोड़ों पे बैठे हुए जान देंगे। भाई इलाका रोशन रोशन सा हो गया, इससे आगे थोड़ी सी धूप है, इस वजह से यहाँ रोशनी बड़ी मज़ेदार है। और आगे हमारे पठान भाई हैं, पठान बहनें भी हैं, इनके साथ मामला ये होता है कि ये शोर बहुत मचाते हैं, मतलब इंजॉय इतना ज़्यादा करते हैं कि बहुत लाउडली इंजॉय करते हैं, बहुत हार्शली इंजॉय करते हैं ये लोग। सो आगे वो पिक्चर्स वगैरह बनवा रहे हैं, तो उनका हंसी मजाक आपस में जारी है एक दूसरे से। अभी यहाँ पे मैं वीडियो बंद करता हूँ। ये जो पीछे हमारे पठान बहनें खड़ी हुई थी, पठान भाई शोर मचा रहे थे, मैं जब वहाँ से गुजरा हूँ तो एक बहन साहिबा ने ना आवाज़ा कसा है, यार मेरी खैर है मैं बर्दाश्त कर लूँ, कहती है आसमानों से आगे जहाँ और भी हैं। मैं चुप करके आगे बढ़ गया, लेकिन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की रूह से मैं बड़ी माजरत करता हूँ कि सर मेरी मौजूदगी में आपके मिसरे के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ और मैं सिवाय इज़्ज़त बचाने के और कुछ भी नहीं कर सका, मैं बेबस हो चुका था, इसलिए मेरी माजरत कबूल करें सर।